विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान के तीसरे अध्याय तंतु से वस्त्र तक के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इसके पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम अर्थात संश्लिष्ट तंतुओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। उसमें हमने रुई के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कुछ प्राकृतिक तंतुओं के विषय में। आज के इस वीडियो में हम प्राकृतिक तंतु में पटसन अर्थात जूट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, जूट अथवा पटसन को पटसन के पादप के तने में से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पटसन का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल तथा असम जैसे विस्तारों में किया जाता है, जहां पर नदियां पानी से भरपूर भरी रहती हैं और उन्हीं नदियों के आसपास के विस्तार में पटसन का उत्पादन किया जाता है। पटसन इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जा सकती है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम के कई विस्तारों में पटसन का उत्पादन किया जा सकता है। यह पटसन के तंतु हैं, जिन्हें हम पटसन के पौधों में से प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काट लेते हैं, अर्थात जैसे ही उसके अंदर पुष्प खिलते हैं उस पौधों को काट लिया जाता है। उसके बाद लंबे समय तक उसके तने को जल में डुबो दिया जाता है ताकि वे उसमें ऑटोमेटिक गल जाएं। उसके तने जब गल जाते हैं तब पटसन के तंतुओं को हाथों से खींच करके अलग कर लिया जा सकता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पटसन के पौधों को किस तरह से पानी में डुबो करके रख दिया जाता है और जब वे गल जाते हैं तब उसके तंतुओं को निकाल लिया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, वस्त्र बनाने से पहले तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वस्त्र तागों से बनाए जाते हैं, अर्थात तंतुओं को पहले तागों में रूपांतरित किया जाता है, उसके पश्चात ही तागों से वस्त्रों को बनाया जा सकता है। आइए तो हम चर्चा करते हैं कि सूती धागे की कताई किस तरह से की जाती है। विद्यार्थियों, उसके लिए हमें क्रियाकलाप करना पड़ेगा। सर्वप्रथम एक हाथ से कुछ रुई पकड़िए। आप थोड़ी सी रुई को अपने एक हाथ में ले लीजिए। आप दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी की सहायता से कुछ रुई की चुटकी भरिए और धीरे धीरे उस रुई को बाहर की ओर खींचिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी ने किस तरह से रुई को अपने हाथ में लिया, तर्जनी उंगली और अंगूठे की सहायता से खींचते हुए चपटी भरते हुए रुई की दिशा में आगे की ओर खींचा। इस प्रकार खींच करके रेशों को लगातार ऐंठते रहना पड़ता है। ऐसा करने से रेशों से तागा बनाया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, ये एक सामान्य तरीका है जो कि छोटे पाये पर रुई में से रेशा बनाने के लिए काम लगता है। बड़े पायों पर जब रेशे बनाने होते हैं तब हम इस पद्धति की अपेक्षा कई और पद्धति का उपयोग करते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। यह बात आप लोगों को जान लेना जरूरी है कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कही जाती है। जब आप रुई के रेशों को खींच खींच कर ऐंठते हैं तो ऐसा करने से रेशे एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और जब यह रेशे एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उससे तागा बन जाता है। कताई के लिए हस्त तकवा युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग ली जाने वाली एक साधन की युक्ति चरखा भी है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जा सकता है। जब तंतुओं की कताई हो जाती है तब वह तारों में रूपांतरित हो जाते हैं, अर्थात धागों में रूपांतरित हो जाते हैं और उन्हीं धागों का उपयोग वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको एक रोचक बात और बता दें कि चरखे का उपयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथों से बने कते तारों से बने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन के मिलों से आयाती कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहन किया था। गांधी जी ने इसलिए तो स्वदेशी अपनाओ आंदोलन शुरू किया था और विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग कहा जाता है। आप इस चित्र में खादी के वस्त्र को देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, खादी का वस्त्र हमारी त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गर्मी की ऋतु में यह कपड़ा हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है तथा तेज धूप से हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो चलिए, तागों से वस्त्र किस तरह से बनाए जाते हैं अब उसके विषय में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, धागे से वस्त्र बनाने की बहुत सी विधियां हैं, जिनमें से दो विधियां प्रमुख हैं। नंबर एक बुनाई करना और नंबर दो बंधाई करना। बुनाई क्या है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो तागों के दो सीटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कही जा सकती है। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में वीविंग के नाम से भी जानते हैं।
विद्यार्थी मित्रों, दो अलग अलग तालों को एक दूसरे के साथ मिला करके या एक दूसरे में पिरो करके वस्त्र बनाए जाते हैं। उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है, भिन्न रंग के दो कागज की शीट लेनी है। दोनों शीटों में 30 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार आकार में कटाई कर देनी है। आप दोनों शीटों को आधा मोड़ दें, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, और एक शीट पर चित्र में दर्शाए अनुसार रेखाएं खींचिए और दूसरी शीट पर भी इसी प्रकार से रेखाओं को खींच लेना है। अब आपको क्या करना है, तो अब दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश कैंची की सहायता से या तो चाकू की सहायता से काट लेना है और फिर शीटों को खोलकर उसे फैला देना है। एक शीट की पट्टी को एक एक करके दूसरे शीट के कटावों में चित्र में दर्शाए अनुसार आपको पिरो देना है। आपका निम्न अनुसार नमूना तैयार हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी किस तरह से शीट के अंदर दूसरे शीट के कागज के टुकड़ों को पिरो रहे हैं और इस प्रकार पिरोने से यहाँ पर बताए गए अनुसार नमूना तैयार हो जाता है। वस्त्रों की बुनाई भी इसी तरह से की जाती है, जिसमें दो अलग अलग तागों को इस चित्र में दर्शाए अनुसार एक दूसरे के अंदर पिरोया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक तागे के अंदर दूसरे तागे को पुरो करके किस तरह से वस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जा सकती है। विद्यार्थियों, आप इस चित्र में करघे को देख सकते हैं कि एक महिला किस तरह से करघे पर वस्त्र को बुन रही है। इसके अलावा भी कुछ और करघे हैं जिन्हें मशीन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। कुछ करघे विद्युत प्रचलित भी होते हैं, जिसके लिए विद्युत की आवश्यकता होती है और कपड़ों को बुना जा सकता है। ऊन से बने वस्त्र जैसे कि स्वेटर की बुनाई में किसी तकली का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जा सकता है। आपने अपने घर में अपनी माताश्री को स्वेटर बुनते हुए देखा ही होगा। इस प्रकार की बुनाई या तो आप हाथों से कर सकते हैं या उसके लिए कई बार मशीनों का उपयोग किया जाता है। आपके घर में माताश्री जब आपके लिए स्वेटर बनाती है तो वह इस प्रकार से हाथों से बुनाई करती है, परंतु जब बड़े पैमाने पर स्वेटर का उत्पादन किया जाता है तब उसके लिए मशीनों से स्वेटर को बुना जाता है। यह पद्धति बंधाई के नाम से जानी जा सकती है। विद्यार्थियों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को धारण करते हैं। क्या प्राचीन समय में भी लोग वस्त्रों को धारण करते होंगे? बिल्कुल, आइए उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वस्त्रों के विषय में प्राप्त प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वस्त्र के रूप में वृक्षों की छाल का, बड़ी बड़ी पत्तियों का तथा जंतुओं के चर्म का उपयोग करते थे। यहाँ आप चित्रों में देख सकते हैं कि एक छाल को किस तरह से वस्त्रों से अलग करके उसको कपड़े में रूपांतरित किया जा रहा है। दूसरे चित्र में एक महिला ने बड़ी बड़ी पत्तियों को लपेटा हुआ है तथा तीसरे चित्र में कोई आदि मानव ने जानवर की चर्म को पहरा हुआ है। पतली पतली टहनियों को तथा घास को आपस में बुन करके चटाई और टोकरियों को बनाना मनुष्य ने सीखा और इस तरह से उसने बुनाई करने की पद्धति को सीखना चालू। लताओं तथा जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर के लंबी लड़ियां बनाई और इनसे बुन करके उन्होंने वस्त्रों को बनाना चालू किया। प्राचीन समय में भारतवासी रुई से बने हुए वस्त्र पहनते थे और फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए फ्लैक्स की खेती नाइल नदी के किनारे पर की जाती थी और फ्लैक्स में से इस प्रकार के पहनने लायक वस्त्रों को निर्माण किया जाता। विद्यार्थी मित्रों, आपको एक बात जान लेनी जरूरी है कि प्राचीन समय में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। आज जो हम वस्त्र पहनते हैं उसमें से बहुत सारे वस्त्रों को सिलाई करके पहनते हैं। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से मात्र ढक लेने के लिए ही वस्त्र धारण करते थे। इसके लिए वे अलग अलग ढंग से वस्त्र पहनते थे। सिलाई की सुई का आविष्कार होने के साथ लोगों ने वस्त्रों को सिलाई करके पहनना शुरू किया। उसके लिए प्राचीन समय में इस प्रकार की सुई तथा वर्तमान समय में इस प्रकार की सुई का उपयोग किया जाने लगा और इसके बाद कपड़ों में विविधता आने लगी। आज जो विविध प्रकार के वस्त्र को पहनते हैं, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, ये सभी अलग अलग प्रकार के सुइयों से बुनाई करके पहना जा सकता है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, आज भी साड़ियां, धोती, लुंगी तथा पगड़ी बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। प्राचीन रूप से ही पहले के समय में जिस तरह से वस्त्र धारण किए जाते थे उसी तरह से आज भी वस्त्रों को धारण किया जा सकता है। तो आइए यहाँ पर समग्र प्रक्रिया किस तरह से हुई उसको हम देखते हैं। कपास के गोलकों को ओटना पद्धति द्वारा हम रेशों में रूपांतरित करते हैं। इन रेशों की कटाई की जाती है और कटाई से हमें तागे प्राप्त होते हैं। इन तागों की बुनाई अथवा इन तागों की बंधाई से हमें वस्त्र
प्राप्त होते हैं, अर्थात यह पूरा तंतुओं से लेकर के वस्त्र तक के बनने का पूरा क्रम यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा उसे हम एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। विद्यार्थियों, हमने सीखा कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे कि सूती, रेशमी, पॉलिस्टर, ऊनी आदि। साथ ही वस्त्र तागों से बनते हैं और उन्हें तंतुओं से प्राप्त किया जाता है। तंतु प्राकृतिक अथवा संश्लिष्ट हो सकते हैं। रेशम, ऊन, जूट आदि प्राकृतिक तंतु हैं तथा नायलॉन और पॉलिस्टर संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं और तागों से बुनाई करके वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। रुई तथा जूट पादप से तथा रेशम और ऊन तंतु जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। विद्यार्थियों, आपने आज के इस वीडियो में जाना कि तंतु से वस्त्र किस तरह बनाए जाते हैं। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका ज्ञान आपको तुरंत मिल जाए। नमस्कार।